कच्चे दूध में ये मिला के लगा लो, चेहरा इतना ज्यादा गोरा निखरा चमकदार हो जाएगा कि आप पार्लर का फेशियल और ब्लीच भूल जाएंगे। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो आज मैं आपके साथ कच्चे दूध से कैसे अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मैल की परत जम चुकी है, स्किन बहुत ज़्यादा काली रूखी सूखी बेजान हो गई है, आप अपने चेहरे की चमक खो चुके हैं, या आपके चेहरे पर एक मैल की परत काली परत जम चुकी है जो कि साबुन से नहीं जा रही, तो आज मैं आपको अपने फेस की डीप क्लीनिंग बताऊंगी जो हम करेंगे कच्चे दूध से। दोस्तों कच्चा दूध हम सभी के घर में होता ही है, आप कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाला आपके घर में जो भी आता है, बट मेक श्योर वो ठंडा दूध हो, गर्म ना हो, क्योंकि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर पाए जाने वाले गुण हैं, जैसे कि उसमें लैक्टिक एसिड होता है और भी बहुत सारे वाइटामिन वगैरह होते हैं जो कि गर्म करने से उनके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी आप कच्चा दूध लें तो आप कोई भी जब भी फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को ब्राइट टाइट करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो ठीक है, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप जो भी आप पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं वो आप ठंडा कर लें, फ्रिज में थोड़ी देर रख दें, ठंडा हो जाएगा, फिर आप उसे अपनी स्किन के लिए यूज़ करें। देख लेते हैं कच्चे दूध से कैसे अपनी स्किन को ब्राइट टाइट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हमको लेना है 1 बड़ा चम्मच कच्चा दूध। ठीक है, मैंने कच्चे दूध के फायदे आपको पहले भी बता दिए हैं। कच्चा दूध हमारी स्किन को ब्राइट करता है, मॉइस्चराइज करता है और हमारे चेहरे की डीप क्लीनिंग यानी गहराई से सफाई करता है, जो कि हमारी स्किन से मैल मिट्टी डेड स्किन को दूर, बहुत ज़्यादा स्किन डेड हो चुकी है उसे हटाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट बनाता है। अगर आप सिर्फ कच्चे दूध से ही अपनी स्किन की क्लींजिंग करेंगे ना रोज़, तो आपको किसी तरीके की क्रीम लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्किन आपकी नेचुरली ग्लो करेगी, स्किन आपकी एकदम बेबी सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा ब्राइट होगी, कलर भी स्किन टोन भी आपका साफ होगा, कलर भी साफ होगा अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डल पड़ चुका है। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा दूध। ठीक है, आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है, 1 बड़ा चम्मच ठंडा दूध लिया है मैंने। अब इसमें जो है लैक्टिक एसिड, अब हम इसके लैक्टिक एसिड है इसमें, अब इसको हम इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे विटामिन सी। इस दूध के गुड़ गुड़ को और बनाने बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे विटामिन सी, जो कि हमको मिलता है नींबू के रस से। जी हाँ, नींबू के रस में नेचुरल विटामिन सी होता है। विटामिन सी दोस्तों क्या करता है, ये हमारी स्किन से काले दाग धब्बों को, झुर्रियों को, झाइयों को दूर करता है, स्किन के कलर को ब्राइट करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 चम्मच कच्चा दूध दिया था, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 बूंदें नींबू के रस की, दैट्स इट। आप कहेंगे कि दूध फट जाएगा, जी हाँ, यही जो दूध फट जाएगा ना, तो यही आपकी स्किन के लिए एक बेहतर क्लेंजर का काम करता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है, इसमें विटामिन सी है, इसमें स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा और ग्लोइंग भी बनाएगा। मतलब ये 2 से 3 चीज़ें आपकी स्किन को मिरेकल का काम करेगी। तो आप इसमें 4 से 5 बूंदें नींबू के रस की डालें और इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 5 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करके छोड़ दें। थोड़ी देर बाद देखेंगे 5 मिनट बाद कि दूध है ये छेने में कन्वर्ट, यानी कि पनीर सा बन गया है, कर्डल हो गया है, हमारा दूध फट चुका है। ठीक है, अब आपको इसमें एक और चीज़ डालनी है जो कि टोटली ऑप्शनल है बट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हम सभी की स्किन के लिए। ठीक है, अगर आपकी स्किन पे काले दाग धब्बे हैं, बार बार पिंपल्स की प्रॉब्लम है और बार बार पिंपल्स आने के बाद आपके चेहरे पे काले दाग काले निशान छोड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन ब्राइट क्लीन और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेनी है कच्ची हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक। वाइल्ड टर्मरिक स्पेशली हमारी स्किन के लिए होता है, किचन हल्दी का इस्तेमाल हम सिर्फ खाना बनाने के लिए करते हैं, और जब हम किचन हम अपने स्किन पे लगाते हैं तो हमेशा हम अपनी कच्ची हल्दी का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके का मेरे पास कच्ची हल्दी है, इसको हम वाइल्ड टर्मरिक कच्ची हल्दी भी बोलते हैं, या आराम से, अभी सर्दियाँ हैं तो आराम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, अदरक की तरह होती है। वैसे जब ये नॉर्मल नहीं हो और सीजन नहीं अवेलेबल होती तो हम इसे सुखा के पाउडर बना के हम इसे रख लेते हैं, पर अभी सर्दियां हैं तो आपको किसी भी सब्जी वाले के पास आराम से ये 10 रुपये की, पता नहीं कितने की आती है, मतलब 5-10 रुपये की आराम से मिल जाएगी, काफ़ी सारी होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टुकड़ा ले रही हूँ, बिल्कुल हमको इसका हाफ टीस्पून मतलब छोटे चम्मच का भी आधा हमको इसमें डालना है। मैंने यहाँ पे कच्ची हल्दी ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे मैं ग्रेट यानी कि कद्दूकस कर लूँगी।
ठीक है। तो हाफ टी स्पून मैं इसी दूध के अंदर जो हमने कर्डल मिल्क लिया है इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपनी कच्ची हल्दी और सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आपका इस तरीके का गोल्डन मिल्क यानी कि गोल्डन सा दूध एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी आपको लगाना हो आप इसे लगा सकते हैं। और जब इसे आप फ्रिज में रखेंगे ना तो थोड़ा ये क्रीम की तरह हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा, बिल्कुल लिक्विड नहीं होगा, तो इसे आप आराम से क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन, इसे कैसे करना है। बहुत आसान सी रेमेडी है बट बहुत ही आपके चेहरे पर ये फ़र्क दिखेगा, आप ज़रूर इसे लगाना। तो देख लेते हैं इसे कैसे लगाना है अपने चेहरे पर। आने के लिए सबसे पहले अपने फेस से मेकअप वगैरह जो भी है उसे अच्छे से पानी से वॉश कर दें। उसके बाद आपको ये क्या करना है, कॉटन बॉल से लेना है और अच्छे अच्छे कॉटन बॉल को अपने चेहरे पे पूरा घुमाते हुए आपको लगाना है। जैसे जैसे आप इसे लगाते रहेंगे अपने चेहरे पे, ये आपका जो स्किन है आपकी इसे पी जाएगी, इस दूध को मतलब इसे अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी। तो आपको जितना भी ये 1 टेबलस्पून हमने एक बड़ा चम्मच दूध लिया है पूरा अपने चेहरे पे लगाना है। तो थोड़ा 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 करके आप अपने चेहरे पे इसे लगाते रहेंगे तो जितना भी ये दूध है आपकी स्किन अब्सॉर्ब कर लेगी। आप चाहें तो अपनी नेक पे जहाँ बहुत ज़्यादा कालापन है, अपने हैंड्स पे, अपनी अपनी बॉडी पार्ट्स पे भी इसको आराम से ब्लीच कर सकते हैं। तो अच्छे से अपने पूरे स्किन पे लगाना है। तो मैंने कम से कम 4 से 5 बार ये कॉटन बॉल से अपने चेहरे पे लगाया है और इसको इसके बाद लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें ऐसे ही कम से कम 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट बाद आप देखेंगे कि जितना भी 1 टेबल स्पून अपने बड़ा चम्मच दूध लिया था हमारी स्किन ने इसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब हमारी स्किन ने इसे अच्छे से पी लिया है और ये हमारे चेहरे पे बहुत अच्छे से गहराई से सफाई करेगी, मैल को काटेगी, कालेपन को दूर करेगी। और अगर आपकी स्किन पे छोटे छोटे दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन पे पिंपल्स के मार्क्स हैं, इसके इस्तेमाल से वो भी धीरे धीरे हल्के होंगे। 5 मिनट बाद मैं अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर दूंगी और आपको खुद ही फर्क नजर आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी सोप वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। 2-4 घंटे के लिए आपको कोई सोप नहीं लगाना है क्योंकि आपकी स्किन की ऑलरेडी डीप क्लीनिंग हो चुकी है। इसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, कोई भी सीरम क्रीम लगा सकते हैं। अगर आपको मार्केट का सीरम सूट नहीं करता तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे क्रीम्स, लोशन, सीरम्स, मैंने हाल ही में कोकोनट क्रीम डाली है, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। मात्र 3 चीज़ों से आप घर पे मार्केट जैसी क्रीम बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप इसे रोज़ यूज़ कर सकते हैं, क्लेंजिंग मिल्क को डेली क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपकी स्किन डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, सॉरी गर्ल है, मेल है, फीमेल है, फीमेल है, मतलब हर एज ग्रुप के लोग, मेल फीमेल सब, हर कोई इसे लगा सकता है क्योंकि नेचुरल है, 100% सेफ है और 100% इफेक्टिव भी है। तो चलिए मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।